बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है व्यूअर, ठीक हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी ठीक हूँ। आपको मेरी तरफ से सबको ईद मुबारक, बहुत 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 सारी ईद मुबारक। व्यूज़, रात को चाँद नज़र नहीं आया, फिर भी चाँद नज़र आया। दो दिन पहले कह रहे थे कि ईद नहीं है आज के दिन, तो मैंने काम रख दिया था अपना, सोचा कि एक दिन रह गया तो मैं कर लूँगी, लेकिन इमरजेंसी 12 बजे रात को पता चला कि आज ईद है, तो फिर मैंने जल्दी में सब काम किए, सारी रात नहीं सोई, ईद के कपड़े सारे प्रेस किए, क्योंकि हम ईद गांव में मनाते हैं तो फिर उधर जाना है। अभी अम्मी के पास जाऊंगी, अक्टूबर को मेरे अब्बू फौत हो गए थे, तो उनकी, मेरी अम्मी की पहली ईद है मेरे अब्बू के बगैर, तो उनके पास जाना है, तो उसके बाद मैं जाऊंगी गांव, ईद वहां पे करेंगे। ये मेरा सूट है, ये मैं पहनूंगी, लेकिन अभी अम्मी के घर जाते हुए ये पहनूंगी, ये वाला, ये ट्राउज़र, ये शर्ट, ये मेरे हस्बैंड का सूट, ये मेरे बेटे का, एक बेटे का, ये दूसरे का, एक ये सूट है, दोनों के हैं, ये दुपट्टे हैं हमारे, मेरे और मेरे बेटे के, और ये मैं गांव जाऊंगी तो पहन के जाऊंगी, ये वाला सूट है, ये इसका ट्राउज़र है चिकन में, ये मेरी बेटी का सूट, ये ईद पे पहनेगी, और दूसरा सूट ये है। उम्मीद करती हूँ मेरा आज का व्लॉग पसंद आया होगा, मेरी ईद की शॉपिंग और ईद पे ड्रेस जो पहनेंगे वो भी पसंद आए होंगे। तो अब मुझे इजाज़त दें, अपने दुआओं में याद रखें, अल्लाह ताला आपको जहाँ रखे खुश रखे, ऐसे हंसता मुस्कुराता रखे, और ईद की ढेरों खुशियाँ अल्लाह ताला आपको नसीब करे। अब इजाज़त चाहूँगी, अपनी बहन सहर सुमन को अपनी दुआओं में याद रखें और इजाज़त दें, अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।